हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू की है स्पेसिफिकली फॉर नवंबर 19 सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन पेपर। वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर सैलरी। ये आज सिक्स्थ वीडियो है, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड द फाइल एंड यू स्टार्ट डूइंग योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स शुरू करते हैं। इट सेज मिस ज्योति इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, शी इज अ सैलरीड एसएससी। She gives you the following information: basic salary, DA, bonus. हम तीनों component के बारे में जानते हैं, these are fully taxable. Basic salary 65,000 per month, fully taxable. DA 22,000, again fully taxable, per month दिया गया है, it is fully taxable. Bracket में लिखा हुआ है 30% forms part of retirement benefits. Although आप लोग 22,000 पूरा taxable करेंगे जब आप DA लेते हैं, ये forming part of retirement benefits कहाँ पर use होता है? जब कभी भी आप HRA निकालते हैं या प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, वहाँ पर आप DA फॉर्मिंग पार्ट ही लेते हैं। दूसरा, जब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालते हैं तो RFA सैलरी लेते समय DA फॉर्मिंग पार्ट करते हैं, बट जब आप DA को टैक्सेबल करें तो उसको तो पूरा 22,000 पर मंथ ही टैक्सेबल कीजिए। मैं सैलरी के हर क्वेश्चन में ये आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या मिल रहा है, वेदर इट इज़ टैक्सेबल, वेदर इट इज़ एग्जेम्प्ट, सबसे पहले लिस्ट बनाइए, उसके बाद उसके बारे में सोचिए कि वो टैक्सेबल होता है या एग्जेम्प्ट है या पार्शली टैक्सेबल और पार्शली एग्जेम्प्ट है। आपको इस वीडियो के एंड में इसकी प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी, बट आप अपने क्वेश्चंस को लिख लिख के करेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। कंसेप्चुअली तो स्ट्रांग आप होंगे ही। आगे लिखा हुआ है बोनस 17,000, आप ध्यान दीजिए वहाँ पर लिखा हुआ है पर मंथ, पर मंथ लिखा है इसलिए हम लोग नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ जनरली 12, तो आप इसको 17,000 इनटू 12 टैक्सेबल कीजिएगा। बोनस इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल, बट जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में पर मंथ नहीं लिखा होता, क्योंकि बोनस आपको पर मंथ नहीं मिलता है, बोनस साल में एक बार या दो बार मिलता है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ 17,000 ही लिखा होता, आई वुड हैव टेकन जस्ट 17,000, बट हेयर स्पेसिफिकली इट इज़ रिटन पर मंथ, तो आई हैव टू टेक 17,000 इनटू नंबर ऑफ मंथ, दैट इज 12, अगर जल्दी ये रिज़ाइन वगैरह नहीं कर रहे हैं तो 12 महीने ही लेंगे। आगे लिखा हुआ है हर एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन ऑन 1st April 2018 एट अ कंसेशनल रेंट। रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है, कंसेशनल रेंट है। आपको पता है कंसेशनल रेंट का परक्यूजिट कैसे निकलता है? पहले तो सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्यूजिट निकाल दीजिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्यूजिट वैल्यू निकालिए, उसमें से माइनस कर दीजिए जो भी रिकवरी हम एम्प्लॉय से करते हैं। तो सिंपल है कंसेशनल रेंट का अकोमोडेशन, आप प्रेजेंटेशन में भी इसको अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है द हाउस वॉज टेकन ऑन लीज बाय एबीसी लिमिटेड, कंपनी ओन्ड है या कंपनी हायर्ड है? यहाँ पर कंपनी हायर्ड है, कंपनी ने ये लीज पर लिया है। इसकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होती है? 15% ऑफ योर RFA सैलरी और योर एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। तो आप RFA सैलरी का 15% को कंपेयर कीजिएगा एक्चुअल हायर चार्जेस से, जो कि 12,000 पर मंथ है, विच एवर इज लोअर से ही आपको वैल्यू ऑफ RFA आ जाएगा, माइनस रिकवरी कर दीजिएगा, रिकवरी इनसे हो रही है 4,800 पर मंथ। तो आप 4,800 इनटू कितने महीने रिकवरी हुई है, आप अगर ध्यान दें कंपनी ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी है फ्रॉम 1st April ऑनवर्ड्स, बट एक्चुअली द एम्प्लॉय इज अवे फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर परक्यूजिट वैल्यू अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे या नवंबर से? द आंसर इज फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स। देखिए, अगर आपको एम्प्लॉयर कहते हैं कि आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट अवेलिंग दैट फैसिलिटी, तो वो आपकी इनकम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको अप्रैल से घर तो प्रोवाइड किया गया, बट यू आर नॉट रिसाइडिंग देयर, यू आर नॉट अवेलिंग दैट फैसिलिटी। सो इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम बनाता है अप्रैल में, तो वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ये रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड ही नहीं थी, तो वो आपको बनाएगा नवंबर ऑनवर्ड्स। तो 5 महीने के लिए ही कैलकुलेशन होगी। जब भी आप वैल्यूएशन निकालिएगा इस क्वेश्चन में रेंट फ्री अकोमोडेशन की या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन की, तो यू हैव टू टेक दोज 5 मंथ्स ओनली, दैट इज फ्रॉम नवंबर 18 टू मार्च 19, यही 5 महीने की सारी कैलकुलेशन होगी। जो आप RFA सैलरी भी लेते हैं वो भी इसी 5 महीने की ही ली जाएगी। आगे लिखा हुआ है द एम्प्लॉयर गेव हर अ गिफ्ट वाउचर वर्थ रुपीज 8,000 ऑन हर बर्थडे,
इसके बारे में भी आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा। गिफ्ट्स जितने भी हमें अपने एम्प्लॉयर से मिलते हैं, अगर वो कैश गिफ्ट हों दैट इज़ फुली टैक्सेबल, अगर वो गिफ्ट्स इन काइंड हों और उसकी एग्रीगेट वैल्यू 5000 से ज़्यादा हो, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, पूरे साल में एग्रीगेट कीजिए कि आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है। इफ़ इट इज़ मोर देन 5000 देन यू कैन मेक इट फुली टैक्सेबल। कुछ लोग इसको इन एक्सेस ऑफ 5000 भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, बट आई एम टेकिंग इंस्टीट्यूट ओपिनियन, इंस्टीट्यूट फर्स्ट व्यू, वो कहता है कि अगर 5000 से ऊपर का गिफ्ट है इन काइंड तो मेक इट फुली टैक्सेबल, सो आई एम मेकिंग इट फुली टैक्सेबल। आप भी पूरा टैक्सेबल कर सकते हैं, 8000 पूरा टैक्सेबल कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स अगर 3000 भी करना चाहें दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, वो भी आप कर सकते हैं, बट फर्स्ट व्यू इज 5000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल कर दीजिए। नेक्स्ट इज शी कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% ऑफ सैलरी टूवर्ड्स RPF एंड द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। 18% ऑफ वॉट, यहाँ पर डिफाइंड है बेसिक सैलरी प्लस DA। जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी तो डिडक्शन 80C में मिलती है, बट जो एम्प्लॉयर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है दैट इज़ माई इनकम, दैट इज़ माई इनकम। तो आप अपनी कंप्यूटेशन में जब आप सैलरी कंप्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे एम्प्लॉयर, आई एम रिपीटिंग एम्प्लॉयर, ER, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF। कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, बेसिक सैलरी प्लस DA का 18%, बट क्या पूरा टैक्सेबल होता है, यू अंडरस्टैंड। इसमें से 12% ऑफ RBS सैलरी को माइनस कीजिएगा, उससे एक्सेस अगर कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है दैट विल बी टैक्सेबल। तो आप यहाँ पर RBS सैलरी निकाल लीजिएगा, यू कैन मेक अ वर्किंग नोट फॉर दिस। आप प्रेजेंटेशन में प्लीज़ इसको देखिएगा, पहले अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा बाद में इसको देखिएगा। आगे लिखे हुए द कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टू अफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ मिस ज्योति। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम हो, आई एम अगेन रिपीटिंग, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द एम्प्लॉई एंड हर फैमिली मेम्बर्स या हिज फैमिली मेम्बर, इस क्वेश्चन में हर है तो दोनों के लिए ही एग्जेम्प्ट होती है, एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल, हेल्थ, एक्सीडेंटल, ये एग्जेम्प्ट परक्यूजिट है। इफ इट वुड हैव बीन अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इट वुड हैव बीन फुली टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फुली टैक्सेबल होती है बट मेडिकल इंश्योरेंस इज फुली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ओके, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन एक्सीड्स 1.6 CC, यानी कि यहाँ पर बड़ी कार है, ओके, कंपनी की कार है, प्रोवाइड की गई है मिस ज्योति को फ्रॉम 1st November। 1st November के बाद मतलब टोटल 5 months के लिए की गई होगी, विच इज़ यूज फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस। यू अंडरस्टैंड, मोटर कार का परक्यूजिट एक इम्पॉर्टेंट परक्यूजिट है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को मोटर कार के परक्यूजिट में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा मोटर कार फैसिलिटी के ऊपर, विच इज़ क्वाइट ईजी, बट आपको एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो अगर कार एम्प्लॉयर की है और कार एम्प्लॉयर की है दोनों ही पर्पस के लिए यूज़ होती है तो यू नो दैट देयर इज़ अ फिक्स परक्यूजिट ऑफ 2400 पर मंथ, प्लस ड्राइवर भी है तो उसके एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, बट यहाँ पर ड्राइवर नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है द मोटर कार इज वॉज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय, ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इट इज़ अ इफ इट इज़ अ स्मॉल कार, स्मॉल कार मीन्स अप टू 1.6 liter CC इंजन, तो उसके लिए हम 1800 पर मंथ लेते हैं, बड़ी कार गाड़ी के लिए 2400 फिक्स्ड है। एम्प्लॉयर जितना भी खर्चा करे, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 वर मेट बाय द एम्प्लॉयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हेयर यू नीड टू मेंशन अ नोट, बेटा आप जो भी वर्किंग नोट्स आप देते हैं अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो प्लीज़ पूरे पैराग्राफ की फॉर्म्स में मत लिखिएगा, यू जस्ट हैव टू मेक एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि आपको ये आता है, जस्ट वन लाइनर और टू लाइनर के नोट्स भी सफिशिएंट हो सकते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, वरना आपका पेपर छूट जाता है। तो यहाँ पर आप प्लीज़ लिखिएगा कि इट इज़ यूज फॉर बोथ द पर्पसेस, देयरफॉर इट इज़ अ फिक्स परक्यूजिट ऑफ 2400 पर मंथ, और क्योंकि ये 5 महीने के लिए प्रोवाइड की गई है फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, तो 2400 × 5 वुड बी द परक्यूजिट वैल्यू। आगे है कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, टोटल इनकम नहीं पूछा है, द क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग अबाउट योर सैलरी इनकम। बहुत सिंपल है, सबकी लिस्ट बनाइए आपको क्या क्या मिला है अपने एम्प्लॉयर से, उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बताइए, कौन सा अमाउंट कितना टैक्सेबल है कितना एग्जेम्प्ट है,
उसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी, ग्रॉस सैलरी के बाद डिडक्शंस दीजिए सेक्शन 16 में, और सेक्शन 16 में एक डिडक्शन तो हमेशा मिलती ही है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन इज द ग्रॉस सैलरी और 40,000 विच एवर इज लोअर. सो जनरली इट इज 40,000 क्योंकि सैलरी तो 40,000 से ज़्यादा ही होती है, बट हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ एक बार चेक कर लिया कीजिए ग्रॉस सैलरी कहीं 40,000 से कम ना हो, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उतनी ही मिल पाएगी. सो योर स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 40,000 और इस तरीके से आपकी सैलरी इनकम आ जाएगी. आई होप ये क्वेश्चन ईजी है और आप जल्दी से इसको कर लेंगे, वो भी राइटिंग में. यू कैन लुक एट द प्रेजेंटेशन आफ्टर दिस वीडियो. मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ नेक्स्ट वीडियो में.